हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। माय नेम इज प्रवीण कुमार। तो हम लोग सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी ख़त्म कर लिए थे और केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन कर चुके थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉइल की एक केमिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ लिए थे, जो कि था सॉइल पीएच। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल। डोंट गेट कन्फ्यूज, इसको हम फिजिक्स से रिलेट नहीं करेंगे। फिजिक्स में भी आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़नी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल से रिलेटेड हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जाननी है। ठीक है, और ये हमारा लास्ट लेक्चर है केमिकल प्रॉपर्टी का। इसके बाद आप बचा है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई जो प्लांट्स होते हैं वो किस पीएच पे अपने आप को बेटर सर्वाइव करते हैं, बस आपको इतना ही जानना है। और कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी आपको रॉक एंड मिनरल्स में पढ़ा दिया जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी ख़त्म होते ही हम लोग क्या करेंगे, रॉक एंड मिनरल्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये चीज़ को शो करता है कि जिस जो सॉइल आपके पास है उस सॉइल में सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो मोस्टली हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस बात को दर्शाता है कि आपके सॉइल में सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन के आपके पास आ सकता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉइल, मिट्टी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन को। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि सॉल्ट कंसंट्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। बिल्कुल सही बात है कि आप खुद सोचो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको सॉल्ट की अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सॉल्ट का अमाउंट होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो इसलिए सॉल्ट कंसंट्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। एज इट क्लियर नाउ? हम अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट या किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेज़र कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेज़र करने का दो मेथड है। एक सेचुरेटेड पेस्ट। सेचुरेटेड पेस्ट में हम क्या करते हैं कि सेचुरेटेड पेस्ट में इतना वाटर डालेंगे कि जो मिट्टी होंगी वो क्या हो जाएगी, आपकी सेचुरेटेड हो जाएगी। मतलब कि जब तक मिट्टी सेचुरेटेड ना हो जाए तब तक उसमें हम वाटर डालेंगे। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो मेथड क्या है कि इसमें हम एक बीकर लेंगे। ठीक है, और इस बीकर में एक पार्ट हम डाले हैं वाटर, तो दो पार्ट डालना पड़ेगा हमको सॉइल। ठीक है, या फिर एक पार्ट हम वाटर डालेंगे तो ढाई पार्ट हम सॉइल डालेंगे। तो ये दो मेथड है जिससे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेज़र कर सकते हैं। पहला हो गया सेचुरेटेड पेस्ट, जब तक वाटर डालेंगे तब तक कि मिट्टी जो है आपकी सेचुरेटेड ना बन जाए। और दूसरी कि हम बीकर में एक पार्ट यदि पानी डाले हैं तो दो पार्ट हमको सॉइल डालना पड़ेगा, या फिर एक पार्ट आप पानी डाले हो तो ढाई पार्ट आपको सॉइल डालना पड़ेगा। तो ये दो ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इजिली मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। दूसरा आता है कि लिमिटेशन। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का लिमिटेशन क्या है? ठीक है, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये क्या करता है, इट सप्रेस प्लांट ग्रोथ। बिल्कुल सी बात है, जैसे मान के चलो ये प्लांट है, इसके रूट हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ आप सबको पता है कि प्लांट जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बाय मीन्स ऑफ रूट हेयर। तो यहाँ पे रूट हेयर तो सॉइल के अंदर ही होगा, तो सॉइल के अंदर क्या हुआ कि जो आपका सॉल्ट था उसका कंसंट्रेशन काफ़ी इंक्रीज कर गया। तो इंक्रीज किया तो यहाँ पे आप मुझे बतलाओ, एग्जोस्मोसिस काम करेगा या इंडोस्मोसिस काम करेगा? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे एग्जोस्मोसिस काम करेगा। क्यों? क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन हाई हो गया तो रूट में जो पानी था वो भी बाहर आ जाएगा। हाँ, रूट हेयर में जो भी वाटर था वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, जिसके वजह से प्लांट को प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाएगा, प्लांट अपना ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाएगा, इसका रिस्पायरेशन भी इफेक्ट होगा। इनफैक्ट इसका एक और डिफिशियंसी ये आएगा कि न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को
भाया वाटर के थ्रू ही सप्लाई किया करता था, अब वाटर ही नहीं प्रॉपर मिल पाएगा तो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी तो होगी। ठीक है, तो ये दूसरा भी बात समझ में आ गया आपको, है ना। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करता है, ये इमिट करता है ग्रीन हाउस गैसेस को, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये गैसेस क्या होती हैं बाहर निकलने लगती है और ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो अगर आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी का अमाउंट बढ़ने लगेगा तो ये क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को बाहर की तरफ रिलीज करने लगेंगे, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है, हमारे फसलों के लिए भी ये नुकसानदायक होता है। ठीक है, और एक मज़े की बात कि यहाँ से क्वेश्चंस क्या आता है कि जो आपका किस क्लाइमेट में अधिक जो सेलेनाइटी होती है वो पाई जाती है, मतलब किस क्लाइमेट में जो आपका सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो अधिक पाया जाएगा, तो याद रखना एरिड और सेमी एरिड कंडीशन में। ठीक है, अगर आपका जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, वो एरिड है या फिर सेमी एरिड है, तो आपकी जो मिट्टी होंगी उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन अधिक होगा। अब ये एरिड और सेमी एरिड क्या होता है, तो ऐसा एरिया जहाँ पे, आप याद रखना, ऐसा एरिया जहाँ पे रेनफॉल 20 इंच से कम होता हो, ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे हर एक साल 20 इंच से कम बारिश होता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एरिड और सेमी एरिड कंडीशन, जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन अधिक देखने को मिलेगी मिट्टी में। ठीक है, आया समझ में कि अधिक सॉल्ट किस तरह के क्लाइमेट में पाया जाता है, एरिड और सेमी एरिड कंडीशन में। और एरिड और सेमी एरिड कंडीशन क्या होते हैं, ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे हर एक साल 20 इंच से भी कम बारिश होता हो, सिंपली समझो ना कि ड्राई एरिया में जहाँ पे अधिक सूखा पड़ता है वहाँ पे इस तरीके का कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, है ना, छोटा सा टॉपिक था, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूव ऑन करेंगे रॉक एंड मिनरल्स। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।